विकासखंड इंदौरा के अधीन आती पंचायत मंडमियानी में दशकों से रह रहे प्रवासी परिवारों के खिलाफ स्थानीय इलाका वासियों ने एकजुट होकर हल्ला बोल दिया है। इंदौरा के मंड क्षेत्र में इन परिवारों पर मंड क्षेत्र में संदिग्ध व अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाए हैं। जब इन लोगों के आधार कार्ड की जाँच की गयी तो यह पंचायत की दृष्टि में सही नहीं पाए गए, जिस कारण इन्हें 7 दिन के अंदर पंचायत छोड़ने के आदेश दिए हैं। प्रवासियों की जानकारी पंचायत में न होने के कारण स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैं उसके बाद साथ से मैं दूँ, मगर ऐसी बात कोई आ ही नहीं तो फिर मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो मैं उसके बाद साथ से मैं दूँ, मगर ऐसी बात कोई आ नहीं रही तो फिर मैं उसके बारे में क्या कर सकता हूँ। पंचायत में किसी प्रकार से रजिस्टर्ड किया था या चौकी ठाकर द्वारा में? देखिए, ये लोग जो है मेरे ख्याल से कम 10-12 साल से जहां रह रहे हैं, मेरे प्रधान बनने से जो पहले से रह रहे हैं, और जैसे पहले रहते रहे लोगों के साथ इनका अच्छा तालमेल था, ऐसी कोई बात नहीं थी। पर जो इनका एक कोई ऐसी शिकायत आई है जो गलत इनका मतलब सामाजिक तथ्यों के हिसाब से वो सही नहीं था, इसलिए लोगों की मांग थी मेरे ग्राम वासियों की कि ये हमारे गांव में नहीं रहने चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फिर रजिस्ट्रेशन तो मैंने की नहीं थी इनकी, पर फिर उसके बाद मैंने जब आप कल का ये स्टेप था और आज मैंने नोट्स निकाल कर इनको बुला लिया है और आज मैंने इनको कह दिया कि एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना जो है अपना जमीन वाले और सब्जी वाले अपना जो हिसाब किताब है वो पूरा करें और उसके बाद यहाँ से चले जाएं। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मीलवा से सुनील कुमार की रिपोर्ट।